प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा का दौरा करने की बजाय केंद्र सरकार से आपदा सहायता निधि लाकर पीड़ितों को राहत दिलाए उन्होंने अतिवृष्टि से नुकसान वाले इलाकों में विपक्ष के दौरे को लेकर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि नैसर्गिक आपदा से राहत दिलाने के नाम पर विपक्ष के नेताओं को घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर ठोस मदद केंद्र की भाजपा सरकार से लाना चाहिए इन दिनों नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस मराठवाड़ा और विदर्भ के दौरे पर है वे बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों की समस्या जान रहे हैं फडणवीस ने एक दिन पहले ही कहा था कि राज्य में सरकार गले में अमरपट्टा बांध नहीं आई है इस पर पटोले ने कहा कि शायद वे केंद्र की सरकार पर ताना मार रहे होंगे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के कांग्रेस को लेकर बयानों पर पटोले ने कहा कि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है उसकी ऐतिहासिक परंपरा है क्या भला है और क्या बुरा यह पार्टी जानती है उन्होंने कहा कि राउत पत्रकार है और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन देखा जा रहा है कि अपना मत रखने वालों पर ईडी की जांच होने लगती है पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह को लेकर उन्होंने फिर आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने उनके भारत से पलायन करने की बात कही है और जांच में पता लगा है कि अंतिम लोकेशन अहमदाबाद थी ऐसे में गुजरात व केंद्र सरकार पर परमवीर को विदेश भागने में मदद करने का संदेह खड़ा हो रहा है बाढ़ संकट के बारे में पटोले ने कहा कि संकट की स्थिति में केंद्र ही नियमानुसार सहायता करती है उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है यह निधि नहीं दी जा रही है